नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड के लक्सर में तेज तूफान के चलते एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला लक्सर गांव के पेट्रोल पंप का है, जहां बाइक सवार एक युवक की तेज तूफान में पेड़ गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि मृतक युवक की पहचान सुमित के रूप में हुई है, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने हाल ही में जिला मुख्यालय सभागार में क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकारियों को संवेदनशील बनाना होगा, दिल लगाकर काम करना होगा और व्यवहार को ठीक रखना होगा। इसके अलावा उन्होंने सड़कों की टॉपिंग उखड़ने और घटिया निर्माण को लेकर नाराजगी जाहिर की, साथ ही सभी स्वीकृत सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्रता से करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। निर्देश दिए हैं कि काम में गुणवत्ता बढ़ाएं और मैं समझता हूं काम अच्छी तरीके से करें। हमारे अधिकारियों में कैपेसिटी है, वो अच्छा काम कर सकते हैं, तो थोड़ा मनोयोग से काम करेंगे तो मैं समझता हूं जल्दी से हमारे क्षेत्र का विकास होगा, चौबटाखाल का विकास होगा, हमारे पौड़ी का विकास। आने वाले श्रद्धालुओं को बीटीसी परिसर में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि भारी बारिश होने से श्रद्धालुओं को सिर छुपाने की जगह तक नहीं मिल रही, तो वहीं रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से पहले ही करीब 1500 से ज्यादा तीर्थयात्री धर्मशाला में फंसे हुए हैं। ऐसे में और यात्री जो नेपाल और पड़ोसी राज्यों से आ रहे हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुविधाएं तो देखो लगभग तो थोड़ी बहुत तो है, लेकिन ये बरसात की वजह से थोड़ी सुविधाएं प्रशासन को और करनी चाहिए। ये बरसात की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है, बैठने में, उठने में, सामान रखने में गीला हो रखा है चारों तरफ से, तो उसकी और थोड़ी प्रशासन को पुलिस की और माध्यम से थोड़ी मदद करे तो उन लोगों को आसानी से हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सब सीनियर सिटीजन ज़्यादा है, तो उनसे चला भी रहा है, उठा नहीं जा रहा है, तो उन लोगों के लिए व्यवस्था थोड़ी बहुत करनी चाहिए। लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ा दी है। वहीं केदारनाथ धाम में भी लगातार बारिश जारी है। ऐसे में निचले इलाकों की बात करें तो सुबह से बारिश होने से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, तो वहीं ऊपरी इलाकों में केदारनाथ सहित पहाड़ी क्षेत्रों में भी श्रद्धालुओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बात करें केदारनाथ धाम की, तो ठंड और बारिश में भी बाबा केदार के भक्तों लाइनों में खड़े होकर दर्शन करने का इंतजार करते नजर आए। खबर चमोली के नारायणगढ़ बाजार से, जहां एक निजी ऑल्टो कार गहरी खाई में जा गिरी। बता दें कि जिस समय हादसा हुआ, उस समय कार में दो लोग सवार थे, तो वहीं हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बीती शाम एक ऑल्टो कार नारायणगढ़ बाजार से गढ़सीरा गांव को जाते समय गांव के पास ही अचानक लगभग 150 फीट से भी गहरी खाई में जा गिरी। वहीं ग्रामीणों की मदद से दोनों युवकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। हमारे पास गढ़सीरा के नज़दीक एक कार दुर्घटना हुई, जिसमें दो लोग थे और दोनों जख्मी अवस्था में थे, और अभी इनको प्राथमिक स्वास्थ्य नारायणगढ़ में लाया गया। दोनों की अवस्था सामान्य है, और एक का नाम लक्ष्मण सिंह जिनकी उम्र 34 साल है, और दूसरी का नाम है रघुवीर सिंह जिनका उम्र है 57 साल। गोरखपुर के अंपियरगंज इलाके के गांव में 20 वर्षीय युवती को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि गांव के ही 4 युवकों ने उसे अगवा किया और फिर बारी बारी से दुष्कर्म किया। सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, तो वहीं पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्राम इंदरपुर थाना कैंपियरगंज में एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी। इसमें 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया था। उक्त घटना घटित होने के बाद जैसे ही थाने को सूचना प्राप्त हुई, मुकदमा दर्ज किया गया और तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई। इटावा के सेफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्थित ब्लड बैंक के ब्लड स्टोरेज रूम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगने से ब्लड बैंक में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया। हालांकि कुछ ही देर में आग पर काबू भी पा लिया गया।
बुलंदशहर की नरोरा पुलिस ने ऑपरेशन पाताल में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक युवक को अवैध तमंचा, दो जिंदा कारतूस और एक दिव्यांग रिक्शा समेत गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी राजकुमार को पुलिस चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। खबर बुलंदशहर से, जहां आए दिन सड़क मार्ग बाधित रहता है। आपको बता दें कि इस डग्गामार वाहन की लंबी लंबी कतारें हैं और हद तब हो जाती है जब भीषण जाम का नजारा सिकंदराबाद इलाके में देखने को मिला। आपको बता दें कि यहां से पुलिस थाना की दूरी करीब 200 मीटर है और खास बात यह है कि इस तरह का चक्का जाम एक दिन का नहीं बल्कि रोज इसी तरह का दृश्य देखने को मिलता है। सहारनपुर में एक फ्रूट मंडी में भीषण आग लग गई जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। खबर सहारनपुर से, जहां किसान यूनियन के नेताओं ने डीएम कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और उन्होंने वर्तमान सरकार के विरोध में नारे भी लगाए और किसानों की मुख्य मांगे गन्ना मूल्य भुगतान, खाद पर सब्सिडी, मुआवजा आदि रही। साथ ही नेताओं ने इसी विषय को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। डुमरियागंज में नगर पंचायत के पास स्थित मध्य चौराहे पर स्थानीय बार एसोसिएशन के पदाधिकारी अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध चक्का जाम किया। सूत्रों के अनुसार यह मामला 18 मई को बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जमीनी विवाद की रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, इसी बात को लेकर यह विरोध किया गया। खबर पौड़ी गढ़वाल से, जहां कोटद्वार में खोए हुए मोबाइलों की बरामदगी कोटद्वार के सीआईयू ने की है। साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती मनीषा जोशी की मदद से जनपद में खोए मोबाइल फोनों को बरामद कर लिया गया। सीआईयू कोटद्वार टीम द्वारा विभिन्न माध्यमों से मोबाइल गुमशुदगी से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए सफलता पाई गई। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।